बहुत ही बड़ा खुलासा, सीनेशनल रेल टिकट कंसेशन को लेकर आई है बहुत ही बड़ी अपडेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में आरटीआई में दोस्तों क्या जवाब आया है रेलवे की तरफ से सीनेशनल को कंसेशन देने को लेकर, या दोस्तों उसके लेकर कोई अपडेट, आज के दोस्तों इस वीडियो में इसी नई अपडेट और दोस्तों जानकारी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह नई अपडेट जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों बता दें, रेलवे जैसे कि साल 2020 से ही रेलवे सुनने से मिलने वाली कंसेशन को यहां पे बंद कर दिया था। इसको लेकर दोस्तों बार बार यहां पे याचिका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों दायर की गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कंसेशन यहाँ पर नहीं मिला। इसको लेकर दोस्तों वरिष्ठ नागरिक जो है काफ़ी परेशान है। इसमें दोस्तों एक आरटीआई किया गया, जिसमें दोस्तों कुछ जानकारी निकल के सामने आई है। जैसे कि दोस्तों भारतीय रेलवे ने 4 साल पहले ही ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट रियायतें जो है वापस लेने के बाद, दोस्तों आरटीआई में बहुत ही बड़ा यहाँ पे खुलासा ये हुआ है कि इन 4 सालों के दौरान रेलवे ने दोस्तों सीनेशन को कंसेशन ना देकर 5800 करोड़ रुपये का अधिक जो है अतिरिक्त राजस्व जो है अर्जित कर लिया है। दोस्तों बता दें, एक न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी इस संबंध में है कि आरटीआई सूचना के अधिकार के सामने आई है। बता दें दोस्तों कि रेल मंत्रालय ने कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था, उसके बाद दोस्तों वरिष्ठ नागरिक दी जाने की रियायतें जो है वापस ले ली थी। दोस्तों बता दें, एक शख्स है मध्य प्रदेश स्थित चंद्रशेखर गौड़ ने अलग अलग समय पर आरटीआई अधिनियम के तहत कई दोस्तों आवेदन यहां पर दायर किए। रेलवे ने जानकारी मांगी थी कि उन्हें सीनेशन कंसेशन समाप्त करके कितना फायदा हुआ। इनके आरटीआई के आवेदन का जवाब देते हुए दोस्तों भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाले रियायतों से आपको बताया कि 20 मार्च 2020 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक उसने दोस्तों 5875 करोड़ रुपये अधिक राजस्व यहाँ पे कमा लिया है। ये दोस्तों हमारे उन वरिष्ठ नागरिक है जिनको दोस्तों यहाँ पे यूपीए सरकार और दोस्तों केंद्र सरकार भी, भाजपा सरकार भी, एनडीए सरकार भी 2020 तक रियायत दे थे, लेकिन दोस्तों 2020 के बाद इस रियायतों को बंद किया गया, तो अभी तक चालू नहीं किया गया। और दोस्तों यहाँ पे चंद्रशेखर गौड़ ने कहा कि मैंने आरटीआई अधिनियम के तहत 3 आवेदन दायर किए। पहले आवेदन में जवाब में रेलवे ने मुझे 20 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अतिरिक्त राजस्व का डेटा प्रदान किया। दूसरे आवेदन में दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक डाटा दिया। और तीसरे आवेदन में दोस्तों उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 फरवरी 2024 को डाला था, जिसके जवाब मुझे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का डाटा आया। उस पर दोस्तों कहा, रेलवे ने यहाँ पर कहा कि आरटीआई में यहाँ पर कहा कि जो भी यहाँ पर डाटा मुहैया कराया गया, इसमें दोस्तों कहा गया कि पता चला कि लगभग 4 वर्षों में 13 करोड़ पुरुषों और 9 करोड़ महिलाओं ने और 33,700 ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेन में यात्रा किया है, और उन दोस्तों समान यात्रियों के तहत ही उन्होंने टिकट खरीदे हैं, और लगभग दोस्तों 13,287 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए 50% और पुरुषों को यहाँ पे पुरुषों को ट्रांसजेंडर वरिष्ठ को 40% कंसेशन का कुल कैलकुलेशन करें तो 5875 करोड़ का अधिक राजस्व जो है रेलवे को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों रेलवे का यहाँ पे क्या कहना है, रेलवे टिकट पर रियायतें देता है। वैष्णव जी ने यहाँ पे कहा था कि जो भी यहाँ पे 100 रुपये अगर खर्च होते हैं तो 45 रुपये यहाँ पे चार्ज कर रहा है, और 55 रुपये रियायत पहले ही रेलवे जो है सभी नागरिकों को दे रहा है, तो और अलग से रियायत हम नहीं दे पाएंगे। ये दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी यहाँ पर संसद में दिया था। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार तो दोस्तों नहीं दे रही रियायत, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्या दोस्तों अनाउंसमेंट हो सकता है वरिष्ठ नागरिक को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर बताएं। और नई अपडेट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।